तुम्हें एक बहुत खास आदमी का इंटरव्यू लेना है। किसका सर? प्राइम मिनिस्टर का। यू मीन चाय वाले का? हाँ। आज हमारे सामने जो मंत्री हैं, उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें ना सिर्फ आप और हम जानते हैं, बल्कि सारा देश इनसे परिचित है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, हर बार चुनाव में आने वाले प्रधानमंत्री भाई लोग भर गए हैं, बेरोजगारी है, हर आदमी हिंदू मुस्लिम करने लगा है। आज हर अनपढ़ आदमी सोशल मीडिया पर रहता है, हाथों में नमो पहनता है, धर्मों को गालियां देता है, हिंदू मुस्लिम करता है। दुनिया में हमारा भारत सबसे ऊंचा हो गया है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों में एक भी किसान आत्महत्या से नहीं मरा। कोई किसान फसलों से घर का खर्चा तो क्या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाता? देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए कड़ी धूप में ठेलों पर पकौड़ा बेचते हैं, अनपढ़ भक्त बनते जा रहे हैं और पढ़े लिखे सड़क पे आ गए हैं। दुनिया में डिमोनेटाइजेशन देश का सबसे बड़ा फेलर था, जिससे सिर्फ गरीब और आम जनता को ही परेशानी उठानी पड़ी। नेता और वीआईपी लोगों को तो लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। सब बकवास है। अगला सवाल। सर, प्रधानमंत्री बनने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? हमारा परिवार बहुत गरीब था और मैं चाय बेचा करता था। सर, मैं आपका एक स्पीच वीडियो जनता को दिखाना चाहता हूँ। जी दिखाइए। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। सर, डोंट माइंड अगर किसी भी गरीब आदमी को देश के लिए अपना घर परिवार छोड़कर हाईली मॉडिफाइड BMW 7 सीरीज में घूमने, प्राइवेट जेट से वर्ल्ड टूर करने, लाखों रुपए की कीमत वाले कपड़े पहनने को मिले। तो हर आदमी अपना घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ सकता है सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर, एक वीडियो और मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मेरा नाम जय प्रकाश है और मैं यहाँ काम करता हूँ। 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है। लड़का बेचारे को पढ़ाया लिखाया, उसको पता नहीं क्या क्या करके, कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तमाम फार्म भरवाया, कोई नौकरी वोकरी कहीं नहीं मिली। मैं नहीं चाहता कि हमारा लड़का भी पकौड़े बेचे। सबके खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे, महंगाई जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन आएंगे की वजह चले जाएंगे छप गया था, मैंने उसे ठीक कराया था, मुझे याद है। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ? मैं चाहता हूँ कि आम जनता को भी पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए सर। तेरी माँ का भोसड़ा मोदी साले माधर चोद, 100 रुपया का छुट्टा नहीं मिलता, 2000 की नोट चालू कर दिया माधर चोद। साले उधार हम चाय पीते, कोई चाय नहीं पिलाता, तेरी माँ की छूत मारू। हमारे बीवी बच्चे भूखे मरते साले, हम गरीब 400 रुपया का काम करते हैं भोसड़ी वाले, वहाँ केंद्र सरकार बन गया है भोसड़ी का बैठ के। तेरी माँ का हरामी तेली साले, तेरी मैया की छूत में लग जा तू साले भोसड़ी वाले, भोसड़ी वाले। मोदी तेरी माँ की, तेरी माँ का भोसड़ा फड़वे, तूने क्या किया रे? हाँ, 100 रुपए का छुट्टा नहीं मिलता, 2000 की नोट निकाल दिया गुजरात में 6 महीना पहले बोल दिया, और इधर अभी पब्लिक को बताया नहीं। हाँ भड़वे, तेरी माँ को सारी ऑटो वाले भड़वे, तेरी माँ की। हाँ भोसड़ी के कीड़े पड़ के मरेगा तू, देखना तेरे को कैसी बदुआ हाई लगेगी। नेता लोग ने सब बराबर अपना करके रखे बड़े बड़े बैंकों में, समझा? काला धन काला धन, गरीबों की मरण हो गई है भड़वे। तेरे को किसने होगा मालूम नहीं? गुजरात के सारे ऑटो ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर के तेरे को पैदा किए, तेरी मौकी में कुत्ते का हाथी का भड़वे, सबका सत्यानाश करने वाले। हाँ कीड़े कीड़े पड़ के मरेगा तू, कीड़े पड़ के भड़वे।
टैन के लोड़े नेता माचुदारे पैसा काला धन उनके पास है, गरीबों के पास में है काला धन। अभी आप माचुदारा काला धन आदमी के पास में है। अभी आप आदमी मर रहा है बहन का लोड़ा, मोदी चू साले मोदी की। और बोलो अच्छा, और क्या बात करते हो यार बहन चो, लोकतांत्रिक देश में जिंदा है कोई गुलाम है बहन चो? मोदी को हमने बनाया, मोदी ने हमें बनाया। इसका मतलब आपके पास दो मैसेज करो मोदी के पास में, बात करे मुझसे बहन चो किस नेता के पास में काला धन है, किसको नहीं पता नेता को, इसको मोदी को नहीं पता। रॉबर्ट वाड्रा ने बहन चो इतने जमीन घोटाले कर, इसको नहीं पता, उसका नाम तक नहीं आता। एक आम आदमी पिस रहा है बहन चो, काम धंधा नहीं है लोगों के पास में। तुम लोगों को बोलते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, क्या माँ का अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तुम्हारे आए, अच्छे दिन तुम्हारे आए। तुम प्लेन में घूम रहे हो, हम रोड पे खड़े। इसकी माँ का भोसड़ा मोदी और योगी की, जो मादर चोद हम गरीबर के समझे। भोसड़े का 5 रुपए किलो आलू थी, 30 रुपए किलो आलू मादर चोद करके धराई। 60 रुपए किलो टमाटर जो हमारे खेतों में भोसड़ी का गंधात रहे, सुअर नहीं खा माई। भोसड़ी का 60 रुपए किलो टमाटर बनाए। कहा बोल रहा भोसड़ी के मोदी और योगी, मिलो हमसे मादर चोद भोसड़ी का योगी मोदी। बताए भोसड़ी का आगे यहाँ पे 5 रुपया किलो की कतरा बताओ। भोसड़ी का इसकी माँ का चूत मारू योगी मोदी। भोसड़ी के साथ विदेशन में टालत रहा था भोसड़ी के, एक दिन हमारे खजुआ ग्राम सभा में घूम के देखे यहाँ कितने गरीब लोग टालते हैं कि मादर चोत भूख भूख से तड़प रहे हैं यहाँ पे लोग बाग। तड़प रहे कि नहीं तड़प रहे हैं लोग बाग यहाँ बाग? मादर चोत बने घूमे पड़े हो यहाँ पे मोदी योगी। इसकी माँ का भोसड़ा मादर चोत मोगी। फालतू में नोटबंदी करा के आपने पूरी देश की जनता को परेशान कर दिया। देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बढ़ता रहा क्योंकि आप चुप रहे। हमारे अपने ही देश के लोग आज आपस में ही मरा रहे हैं आपकी वजह से। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपको इलेक्शन का मुद्दा नहीं मिल रहा था, है ना? क्या पकड़ा है? इस वीडियो में बीजेपी की सच्चाई बताकर देश की जनता को भड़काने के लिए चुतियापा कर रहे हो तुम। नो सर, आम जनता खुद आपसे परेशान है। कि एक तरफ तो माँ दुर्गा की पूजा हम लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो जीवित माँ दुर्गाएं हैं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या कसूर था उन लड़कियों का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? अपने अधिकार के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उनपे उनके आत्मसम्मान पर चोट हुई, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई और उन्होंने आवाज उठाई। और मोदी सरकार को इतना बुरा लग गया कि लाठियां बरसानी पड़ी उन पर, उन लड़कियों पर। क्या उनके पास पिस्तौल था? क्या उनके पास बम था? क्या उनके पास गोली चलाने का सामान था? क्या कसूर था उनका? वो तो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे। जब मोदी सरकार की पुलिस, वहां के चांसलर उनको इंसाफ न दे सकी तो वो उन्होंने वो रास्ता अपनाया। गांधी जी के रास्ते पे उन्होंने चला, गांधी जी के रास्ते पर उन्होंने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया और मोदी जी की पुलिस उन पर लाठियां बरसाई, उनको खून से लथपथ कर दिया, बेचारी बच्चियों पर। और आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बचेगी बेटियां तभी तो पढ़ेगी बेटियां। आपकी पुलिस, आपके बीजेपी के नेताओं के बच्चे इन बेटियों को मान सम्मान के साथ जीवित रहने देंगे तभी तो वो पढ़ेंगे। आश्चर्य होता है, जो बच्चियां अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी, अपनी गरिमा की लड़ाई लड़ रही थी, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी, मोदी सरकार और योगी सरकार की पुलिस उन पर बरस पड़ी। और टीवी में और सोशल मीडिया में आ रहा है, कुछ दिन पहले दाऊद इब्राहिम की बीवी मुंबई होकर गई। मुंबई में किसकी सरकार? बीजेपी की। दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की। दाऊद इब्राहिम की बीवी को सुरक्षित वो फिर से पाकिस्तान भेज सकते हैं और अपनी बच्ची का, हिंदुस्तान की बेटियों का, जो मुसलमान भी नहीं है, सुन लीजिए, हिंदू जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, उन भक्तों से मैं कहना चाहती हूँ, उन बच्चियों का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी इज्जत के साथ जब छेड़खानी हुई तब मोदी सरकार पुलिस से डंडा बरसाए, तब मोदी सरकार उनके खिलाफ गई और दाऊद के बीवी को सुरक्षित मोदी सरकार ने पाकिस्तान रवाना कर दिया। आप देखिए, ये पहला वार किसान पर हुआ, फिर जवान पर हुआ, फिर छात्रों पर हुआ, फिर बच्चियों पर, महिलाओं पर भी वार करते रहे मोदी सरकार। मोदी सरकार और मोदी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जितना घूमना है घूम लो, और तो कुछ दिन बचे हैं, जितना घूमना है घूम लो, जनता माफ नहीं करेगी, जनता आपको माफ नहीं करेगी। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना?
बोलिए सर। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे ले डाल हीरो, ले डाल। कैमरा बंद कर, कान फाड़ डालूंगा। इसको बोलो बंद करे। अमित शाह, अरे सालो तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बंद करो, ये बंद करो, बंद करो, मैं कहता हूँ बंद करो। अबे चप्पल नीचे कर, ये असेंबली हॉल। अरे तो यहाँ कौन देख रहा है? मैं इन लोग को बोला ना बंद करे। बेवकूफ, ये आइडिया 4G लाइव है, IPL के क्रिकेट मैचेस की तरह सारे देश की जनता देख रही है। चप्पल नीचे कर। मैं भी दिख रहा हूँ क्या? तू दिख रहा है, तेरा चप्पल दिख रहा है, और तेरे चप्पल में लगा हुआ 2 लाख का टैग भी दिख रहा है। तो अगर अब कोई आपसे कहे कौन देख रहा है, तो आप भी मेरी तरह उनसे कहिए कि आइडिया 4G पर पूरा इंडिया लाइव देख रहा है। मैं आप सबसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप भी अपने शहर, बिल्डिंग, कॉलेज या आसपास कहीं भी किसी का गलत बिहेवियर देखें, तो प्लीज़ आइडिया 4G से लाइव जाएं और उनका गलत बिहेवियर पूरे इंडिया को लाइव दिखाएं। सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, अब एक्शन भी लाइव लेना पड़ेगा। क्योंकि जब पूरा इंडिया लाइव देखेगा, तभी तो लोगों का बिहेवियर बदलेगा। आइए साहब, ये लाइट लीजिए, ये एक बार चप्पल दिखाइए प्लीज। चप्पल कहाँ की थी? कोल्हापुर की थी या लखनऊ की थी जी? दादा बहुत हो गया इंटरव्यू, चले। अच्छा तो इंटरव्यू खत्म ना? जय श्री राम। सच बोलूं सर, जब तक चुद्दन भैया फूकन में ठोकने वालों की फाड़ते नहीं ना, तब तक कोई पैसे नहीं देगा सर। सर मैनेजर चुद्दन जब राट ठुके पैसा न मिले तब गंद फाड़े आवे। चुद्दन चुद्दन।